के सबसे पॉपुलर सीरीज का फोन। गेमर्स अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोको X3 Pro, X4 Pro, X4 Pro से काफी पावरफुल स्मार्टफोन ब्लैक बॉक्स है। यह पोको X5 Pro 5G। ओ डिस्प्ले डिजाइन कैमरा परफॉर्मेंस ये देखो यार पीरो गेम प्ले सब कुछ टेस्ट करेंगे और जानेंगे X4 के कंपैरिजन में ये अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड। मजा आएगा तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो चलो तो जिसका भी आज बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू हेलो। ये जायदाद के पेपर प्रोटेक्टिव केस भी है, वैसे तोड़ते हैं मरोड़ते हैं। नाइस क्वालिटी टीपीयू केस। ओहो ये एक्सपीरियंस भाई साहब अलग ही होता है। ओ भाई ओहो ओहो ये 67 वाट चार्जर है टाइप सी केबल लंबा है देखो मजबूत भी है। सो ये है पोको X5 Pro 5G। डिजाइन लुक्स गुड। X5 Pro में जो कैमरा मॉडल है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। डिस्प्ले देखो ये 6.67 इंच वाला FHD Plus X3D AMOLED डिस्प्ले है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, AMOLED डिस्प्ले ही है। पोको इसे X Infinity कह रहा है और एक चीज तो कहनी पड़ेगी डिस्प्ले लुक्स रियली गुड। बेजल्स काफी कम है, चारों तरफ से इक्वल बेजल्स है, काफी मिनिमल बेजल्स है। सो डिस्प्ले लुक्स गुड। डिस्प्ले क्वालिटी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी देखो यार ठीक है भाई अच्छी। वो भी क्या टाइम था यार पोकेमॉन देखते थे। डिस्प्ले क्वालिटी इज रियली गुड। डीप ब्लैक है, पंची कलर है, वाइब्रेंट है। ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये एक 10 बिट कलर डिस्प्ले है। इसमें HDR 10 प्लस है और डॉल्बी विजन भी है। ये देखो AMOLED डिस्प्ले की वजह से कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं। वैसे मजा तो आएगा इसमें देखने में। किंग एंगल चेक कर लेते हैं डोरेमोन देख के। ओहो डोरेमोन इस साइड से देखो ओहो क्लियर है, एकदम विजिबल है। ऊपर साइड से भी विजिबल है। ओहो इस साइड से भी विजिबल है। किंग एंगल इज ऑल्सो गुड। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 है, एक बार गिराना तो बनता है। कुछ नहीं हुआ। रिफ्रेश रेट है और 120 हर्ट्ज है। ये एक अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है जो 30 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक चला जाता है। समझा नहीं समझाता हूँ। जरूरत पड़ने पे डीजे राजेश बन जाता है और डीजे मनु सारू भी बन जाता है। देखो यार स्मूथ तो फील होता है। इसमें 900 निट्स पीक ब्राइटनेस है, ये लोएस्ट है 25% एंड इसमें देखो विजिबल है ये 50% और ये 100% और 100% पे देखो काफी ब्राइट है डिस्प्ले। इंडोर लाइटिंग कंडीशन में ब्राइट इनफ है। डिस्प्ले इज ब्राइट इनफ कोई इशू नहीं है। 7.9 mm की थिकनेस है और ये पोको एक्स सीरीज का स्लिमेस्ट फोन है। एंड ये भी कहा है कि लाइटेस्ट है। ओके 177 ग्राम कहना पड़ेगा यार। इट इज लाइट। इन हैंड फील इज आल्सो गुड। इसका जो बैक है ये पॉलीकार्बोनेट है मैट फिनिश के साथ और जो बैक है वो काफी शाइनी है। X4 Pro में ग्लास बैक था और यहाँ पे पोको ने पॉलीकार्बोनेट यूज किया है और यहाँ पे भी ग्लास बैक होता ज्यादा अच्छा लगता है। बट ये जो पॉलीकार्बोनेट बैक है अच्छी क्वालिटी का है। स्पीकर है, ये स्टीरियो स्पीकर है, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और ये सिम स्लॉट है। अरे आई नीड ऊ, ये है ऊ। तो ये डुअल सिम है, नो एसडी कार्ड। बाकी राइट हैंड साइड में ये पावर बटन है, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये वॉल्यूम बटन है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर आईआर ब्लास्टर, नॉइस कैंसिलेशन और ये स्पीकर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज डड्डा स्टीरियो स्पीकर है, टेस्ट करते हैं। साउंड क्वालिटी काफी लाउड है, क्लियर है, ऊपर से डॉल्बी एटमॉस भी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर एक बार टेस्ट करते हैं। देखो नॉर्मल दबाया, अनलॉक अनलॉक अनलॉक। इसके बैक में 108 मेगापिक्सल कैमरा है। ये पोको का फास्ट फोन है जिसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा है। बाकी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल। तो देखा जाए तो कैमरे में अपग्रेड है। पोको X4 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता था, इसमें 108 मेगापिक्सल है। टेस्ट करना बनता क्यों जनता। फटाफट से लाइक नहीं किया तो अभी क्या, अभी लाइक बनता है यार। चलो एक बार नारुतो की फोटो लेते हैं अल्ट्रा वाइड। ओहो ये देखो फोटो, छोटी छोटी डिटेल भाई साहब क्या बात है। डिटेल्स देखो भाई साहब काफी अच्छी डिटेल्स, क्या बात है। 2x पे देखो भाई साहब, ओ थोड़े से सैचुरेटेड कलर्स है बट पिक्चर्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। ये मोर पे जाके यहाँ पे 108 मेगापिक्सल से फोटो ले सकते हो और ये देखो ये 108 मेगापिक्सल की है। डुअल लाइटिंग के हिसाब से देखो कलर्स काफी अच्छे हैं। ये देखो अगर हम जूम करते हैं भाई साहब, ये देखो 108 मेगापिक्सल में तो डिटेल्स देख लो, इतने दूर की फोटो है ये देखो। तो इसे जूम कर रहे हैं ये देखो, ओहो स्किन टोन भी काफी प्यारा दिया है आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। और ये देखो इसे नारुतो, इसमें भी देखो डिटेल्स काफी अच्छा है। इसके अलावा और कुछ ही फोटोज में आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे, ये आउटडोर लाइटिंग कंडीशन, इंडोर लाइटिंग कंडीशन की है। जितने मैंने रियर कैमरा को टेस्ट किया मैं कहूंगा कि कैमरा इज गुड। अगर हम कैमरे में जाते हैं, प्रो मोड है, डॉक्यूमेंट मोड है, वीडियो मोड है, एक फोटो पोर्ट्रेट नाइट मोड में जाते हैं। ओके तो शॉर्ट वीडियो मोड है 118 मेगापिक्सल, लॉग मोड भी है, स्लो मोशन है, लॉन्ग एक्सपोजर है। और ये देखो इसमें काफी सारे मोड है यार। ये देखो नॉस्टैल्जिया पार्टी मोड, व्लॉग बना सकते हो, क्या बात है। ये देखो हाई व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। ओके रियर कैमरे से वीडियो में आप 4K 30 FPS पे है, एक सेल्फी तो बनती है बॉस। ओहो ये दिख रहा है यार, क्या बात है। और ये देखो सेल्फी मोड नॉर्मल मोड से, ओहो स्किन टोन क्या प्यारा दिया है सेल्फी में यार आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। ये देखो ये पोर्ट्रेट मोड से है, ये देखो इसमें भी एज डिटेक्शन अगर हम देखते हैं, यस एज डिटेक्शन काफी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है।
स्नैपड्रैगन 778G चिप है इसमें, ये एक 6nm वाला चिप है। नो डाउट ये प्रोसेसर काफी पावरफुल है, अगर हम इसे पोको X4 Pro से कंपेयर करते हैं उसमें स्नैपड्रैगन 695 था, के कंपैरिजन में ये स्नैपड्रैगन 778G काफी पावरफुल है। आप एंड्रॉइड देख लो 522,000 प्लस निकल के आया है, ये काफी तगड़ा स्कोर है लो गेम प्ले के लिए। सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट करके देखा, ये देखो जो ग्राफ है पूरा ग्रीन ग्रीन है ऊपर की साइड में, देखो थ्रॉटल इशू नहीं है, गरम वरम नहीं होगा फोन, लेकिन हम तो गरम है लो गेम प्ले के लिए, मजा आएगा। स्मूथ है, बैलेंस है, एचडी है, एचडीआर है, एचडीआर मैक्स है, एचडीआर पे अल्ट्रा ऑप्शन है और स्मूथ पे एक्सट्रीम है। स्मूथ गेम प्ले, ग्राफिक्स तो देखो स्मूथ है यार, ऐसे करते हो ये वो गेम टर्बो मोड भी है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, रिकॉर्डिंग है, ओहो यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन है गेमिंग के लिए, बूस्ट मोड भी है, ये हमने बूस्ट कर दिया, 60 FPS तक जा रहा है गेम प्ले। ये देखो ये देखो, अरे पीरो मनोज सारू से लड़ेंगे ये, क्या मैं ले रहे हैं मेरे को भाई साहब, साउंड क्वालिटी बहुत लाउड है यार। ये देखो यार पीरो मनोज गेम खेलते फोन ऐसे गर्म तो नहीं हो रहा, वैसे इसमें लेट ग्राफिक्स कूलिंग भी है गेमिंग के लिए, कोई भी आया उसको लपेट दूंगा। ये देखो, अरे देखो ये देखो, अरे ये देखो वो भाग गया, ये तो लैग फ्रेम ड्रॉप नहीं है, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है स्मूथ और एक्सट्रीम पे। ओहो हमसे चालू, अरे पीरो मनो सारू इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए आई एम आउट। परफॉर्मेंस में डेफिनेटली एक बिग अपग्रेड है इस फोन में, तो रैम वेरिएंट में है 6GB 128GB और 8GB 256GB, LPDDR4X और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है, 1020 MBPS की है और राइट स्पीड 893 MBPS की है, और ये देखो इसमें मल्टी टच भी है, हारमोनियम बजा सकते हो, मल्टी टास्किंग चेक करते, सारे ऐप्स क्लोज कर दिए, ओके ठीक है, पहले क्रोम खोल लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ये खोल लिया, ओके कैमरा ये देखो फास्ट है यार अगर देखा जाए तो, ये देखो गैलरी ओपन करते हैं, मल्टीटास्किंग फास्ट लगा, कोई लैग जिटर नहीं है, 5000 mAh इसमें बैटरी है एंड फास्ट चार्जर भी है, 67W चार्जर मिलता है बॉक्स में, बात है फास्ट है यार ये देखो क्या बात है। 5G फोन है, 7 5G बैंड से, सेटिंग पे गए, अबाउट पे गए, ओ भाई साहब MIUI 14 है, मजा आया, ओ लेटेस्ट MIUI, लेकिन ये बेस है एंड्रॉइड 12 पे, UI भी एकदम क्लीन है और फोन में से कोई फालतू के ब्लॉटवेयर एप्स नहीं है, हां एक दो है स्नैपचैट ये स्पॉटिफाई और ऐसा कोई फालतू का ऐप नहीं है, इवन मुझे ऐसा कोई ऐड भी नहीं दिखा UI में, देखो कोई ऐप डाउनलोड तो ये देखो कोई ऐड नहीं आया। इस फोन के साथ 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट, देखो फिलहाल अभी मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप चेक कर लेना, लेकिन अगर ये फोन 20-21 हजार के आसपास आ जाता है अगर विद ऑफर भाई सब किलर फोन होगा ये, अगर मैं इसे X4 Pro से कंपेयर करूं डेफिनेटली मैं कहूंगा एक अपग्रेड है, क्योंकि फोन में जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड का जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे कि कैमरा 108 MP कर दिया गया है एंड परफॉर्मेंस में तो सबसे बड़ा अपग्रेड है, परफॉर्मेंस फोन का काफी सॉलिड है, बैटरी अच्छी है, फास्ट चार्जर के साथ आता है, ओवरऑल मुझे तो फोन पसंद आया, बट सब कुछ इसकी प्राइस पर डिपेंड करता है, आप बताओ आपको फोन कैसा लगा, वीडियो फैला दो, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।